हे गाइस, इट्स वैशाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी गाइस, थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया वीडियो के लिए, पर कोई बात नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूँगी इसका। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत इजी और टेस्टी से ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जिसे खाकर मज़ा ही आ जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है ना, उसे प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप एकदम इजी, टेस्टी और न्यू रेसिपीज़ की खोज में हैं, प्यारे प्यारे DIYs एंड होम डेकोर पीसेस से अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, तो मेरा चैनल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेड से बना हुआ ये टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बॉल में अंडे लिए हैं। यहाँ पर मैंने 5 अंडे लिए हैं। अंडों को तोड़कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद उसमें 1/2 कप दूध मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हरी मिर्च, यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ली है, 1 बड़ा टमाटर, 1 शिमला मिर्च और 1 प्याज, सबको बारीक काट कर इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें काली मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, यहाँ पर मैंने काला नमक यूज किया है, गरम मसाला पाउडर और धनिया पत्ती, सब डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ब्रेड की स्लाइस लेकर इनर वाला पोर्शन नाइफ की हेल्प से अलग कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे ही मैंने ब्रेड के सारे इनर लेयर्स निकाल लिए हैं। अब तवे में हमें बटर या फिर ऑयल डालकर उसे ग्रीस कर लेंगे। अब ब्रेड के स्लाइसेस डालेंगे। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया था अंडे का, उसे डाल देना है। उसके ऊपर हमें चीज सैंडविच डाल देनी है, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, एकदम चीजी सा इसका टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगता है ये। फिर से एक लेयर इसमें हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो डालना है। फिर ब्रेड का जो हमने स्लाइस कट करके रखा था इनर वाला, वो डालकर इसे हल्का प्रेस करते हुए रोस्ट कर लेना है। बाकी के ब्रेड में भी हमें यही स्टेप फॉलो करना है। हल्का दबाते हुए हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। 3 मिनट के बाद हमें इसे पलट लेना है। आप देख सकते हैं इसमें कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आया है। दूसरे ब्रेड को भी हमें ऐसे ही पलट लेना है 3 मिनट के बाद। ब्रेड के दोनों साइड्स हमें ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होते तक सेंक लेने हैं। आप चाहें तो इसमें बीच में और ऑयल या फिर बटर ऐड कर सकते हैं। क्विक, इजी एंड टेस्टी सी रेसिपी बनकर रेडी है। आप खाएंगे तो ज़रूर आप भूल नहीं पाएंगे, ऐसा इसका टेस्ट रहता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एकदम कम समय में और बहुत आसानी से, बिल्कुल एकदम घर में मौजूद मटेरियल से ये बन जाएगा। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपने इसे बनाया और कैसा लगा आपको। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरी वीडियो शेयर करें।
आपके कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको कैसी वीडियोस चाहिए आप मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।